चाप तक पहुंच जाते हैं। रिटेल निवेशकों का जोश बरकरार है, यही कारण है कि बीएसई में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या जो है 10 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इससे ज्यादा डिटेल्स इस पूरी खबर से जुड़ी क्या है और बीएसई में क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है, इस पूरी खबर के मायने क्या है, जान लेते हैं शरद से। शरद बताएं। धन्यवाद, थैंक यू मानसी। तो सबसे पहले जो है बीएसई के जो आंकड़े आए हैं, जहाँ पे जो निवेशक हैं, जो रजिस्टर्ड निवेशक है, वो 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं। अब देखा जाए तो ये आंकड़ा कल पार हुआ था मार्च 16 को, और अब देख सकते हैं कि अगर इसमें जो ग्रोथ के बारे में बात करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस सिर्फ ऑलमोस्ट 3% का ग्रोथ देखने मिला है, और तिमाही दर तिमाही देखें तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, ऑलमोस्ट लगभग 11%, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 58% का ग्रोथ देखने मिला है। ये आंकड़ा बहुत अच्छा है, और अब देखते हैं कि जर्नी कैसी हुई है, कैसे शुरुआत हुई है। तो 2008 में जो देखा जाएगा सबसे पहला करोड़ जो है रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स आए थे, और यहाँ से जो जो ग्रोथ मोमेंटम देखने मिली है आप देख सकते हैं वो बढ़ते जा रही है, और 5 करोड़, 9 करोड़ और फिर 10 करोड़ का आंकड़ा जो है मार्च 16 को जो है इसे पाया गया है। इसके अलावा स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा आया है। तो टॉप 5 स्टेट्स में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बीएसई के निवेशक है, और ये निवेशक अक्रॉस द सेगमेंट्स देखने मिले हैं जो जिनके यूनिक क्लाइंट कोड्स होते हैं। इसके अलावा कर्नाटक और राजस्थान में भी आप कह सकते हैं कि लगभग 50 लाख से ऊपर जो है निवेशक, जो रजिस्टर्ड निवेशक है, वहाँ पे देखने मिले। लेकिन अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कौन से राज्य में जो है एक अच्छा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में ग्रोथ देखने मिला, उसमें एक शानदार मूवमेंट देखने मिला है। स्पेशली असम के स्टेट को ले लीजिए, 238% का ग्रोथ, लक्षद्वीप जरूर थोड़ी बेस कम है लेकिन 145% का ग्रोथ। वहीं पर आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश को देखिए, 123% का ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा भी दो प्रांत है, बिहार और मध्य प्रदेश जो फोकस में रहेंगे, यहाँ पे भी आप देखिए तो 100% से ज़्यादा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन डिस्पाइट आपके ग्लोबल मैक्रो से कितना स्ट्रांग है हमारे डीआई का और आपके जो रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये दमदार डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो निवेशकों की संख्या जो है 10 करोड़ के पार पहुंचते हुए दिख रही है। 2972 के लेवल्स पर बीएसई के चार्ट्स में आप ट्रेड देखेंगे, और इसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे बीएसई में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या में जिस तरह से तेजी देखने को मिली है, स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट जो है उसी तरह का देखने को मिला है। पिछले एक महीने का ट्रेंड देखेंगे, 30% तक की बढ़त ये स्टॉक दिखा चुका है। 6 महीने में करीब 160% तक की बढ़त बीएसई के स्टॉक प्राइस में हमने देखी है। नागराज, एक बार टेक्निकली चार्ट्स को देखें और बताएं, दमदार रिटर्न्स से स्टॉक दिखा रहा है, क्या लगता है टेक्निकली आगे कहां तक जाएगा? जी हाँ, कौन से स्टॉक्स बात कर रहे हैं, एक बार रिपीट करेंगे स्टॉक? अच्छा, ओके। जी हाँ, बीएससी एक शार्प अपसाइड ब्रेकआउट के बाद एक दो लास्ट दो तीन सेशन में एक कंसोलिडेशन का मूवमेंट दिखा रहे हैं। इवन लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे एक बढ़िया तेजी दिखने को मिला है। अभी इधर से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड डिफिकल्ट है, मुश्किल है, एक छोटा सा डिप्स आता है अराउंड 2800 के आसपास, उसमें डिप्स में खरीदारी करने के लिए सलाह रहेगा, और ऊपर के लेवल में अराउंड 3150 3200 के आसपास एक ऊपर में टारगेट दिखने को मिलेगा।